बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ ज़रूर कीजिए, वीडियोस को भी लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर वीडियोस जो है वो शेयर कीजिए। आज का वीडियो जो है वो भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने जो है रिक्वेस्ट किया था कि लेमन ऑयल के यूजेस और बेनिफिट्स के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो ये जो बॉटल है, ये है 30 ml की एक बॉटल है। ये आपको हक प्लांटर्स वालों की है और ये आपको मिलेगी पंसारी की दुकान से, किसी भी पंसारी की दुकान से ये आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये बॉटल जो है ये तकरीबन आप जो है ये देखिए, इसके अंदर ये पतला सा ऑयल है और ये 190 रुपीस का आपको ये इसकी एक बॉटल मिलेगी। इसको आप डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको अभी एक एक करके इसकी बहुत सारी खूबियाँ जो हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी कि किस तरह से आप लोग जो है लीमू ऑयल से जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लीमू ऑयल जो है आपकी स्किन के ऊपर जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको आप जो है लाइट करने के लिए इससे आप फेस मास्क बना के जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो है एक टीस्पून ऑरेंज पील का जो पाउडर होता है, आजकल ऑरेंजेस का जो है सीजन चल रहा है, तो आप लोग ऑरेंजेस के जो पील हैं, जो उनके छिलके हैं, उनको उतार के आप धूप में सुखा लीजिए और उसको आप उसका पाउडर बना लीजिए। तो वो लेके आप उसमें अगर 4 कतरे लीमू ऑयल के डालेंगे और 2 टेबलस्पून योगर्ट के डालेंगे, ये मास्क अगर आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इससे हफ्ते में 3 दफ़ा ये मास्क अप्लाई करने से आपके जो स्किन के जो दाग धब्बे होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाते हैं। ये मास्क आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आपको DIY करके बताऊँ जो बेनिफिट्स मैं अभी आपको लेमन ऑयल के बता रही हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, तो मैं एक एक करके आपको ये चीज़ें सारी करके बता भी सकती हूँ और इस्तेमाल करना भी बता सकती हूँ। इसके अलावा आप इससे स्किन लाइटनिंग सीरम भी बना सकते हैं। सीरम के लिए सेसेमी ऑयल जो है वो काफ़ी इजीली अवेलेबल है मार्केट में। सेसेमी ऑयल आप मंगवा लीजिए। तकरीबन अगर आपने सीरम बनाना है तो इतनी ही 30 ml की बॉटल आप जो है तिल का तेल जिसको कहते हैं वो ले लीजिए और उसमें जो है 20 कतरे तकरीबन आप लेमन ऑयल के डाल के मिक्स करके ये सीरम आप लोग रखें। ये आपकी स्किन को जो है लाइट करेगा और आपकी स्किन को ग्लो देगा। तो इसके अलावा दानों को जो है और दानों के जो स्कार्स होते हैं उनको भी आप लोग मिटा सकते हैं इसकी मदद से। बेतहाशा इसके जो हैं बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं। स्कार्स को रिमूव करने के लिए आपको एलोवेरा हर घर में मौजूद होता है, एलोवेरा जेल ले लीजिए और उसमें आप 6 से 7 कतरे लेमन ऑयल के डाल के आप उसको स्किन के ऊपर वो मास्क लगाएं और वो जेल आप अपने जो एक्नी स्कार्स होते हैं आपके या जो दाने वगैरह होते हैं उनके ऊपर लगाएं, बहुत बेस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। ऑयली स्किन के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। ऑयली स्किन के लिए आप इसको एग वाइट के अंदर जो है मिक्स कर लीजिए और एलोवेरा जेल साथ में लगा के मिक्स कीजिए और इसको अपने स्किन के ऊपर लगाएं, ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो है आप इससे फेशियल टोनर भी बना सकते हैं। टोनर का तरीका भी बहुत आसान है। आप कोई सा भी रोज़ ऑयल ले लीजिए, ठीक है, और उसमें आप जो है कुछ कतरे लेमन ऑयल के डाल दीजिए और उसको आप स्किन के ऊपर अप्लाई कीजिए, आपका टोनर तैयार है। डैंड्रफ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है ओवरनाइट सीरम, अगर नाइट सीरम किसी को जो है बनाना है तो वो 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कोकोनट ऑयल ले के जो है उसमें 7 से 8 कतरे लीमू के डाल के और ग्रीन टी के जो ऑयल है अगर किसी के पास वो डाल के और एलोवेरा जेल डाल के इन सबको मिक्स कर लीजिए तो ये भी बहुत जो है ओवरनाइट सीरम जो है बहुत बेस्ट है।
अभी के लिए इतना मेरे ख्याल में काफ़ी होगा आप लोग के लिए। बहुत सारी मैंने इसमें बता दी है कि किस तरह से आप लोग लेमन ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो भी आप लोग को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग जो मैंने इसमें आपको सीरम और मास्क जेल वगैरह बनाने का आपको बताया, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।